So hello everyone welcome back to my YouTube channel humanities Ada and this is me Manisha. So, In this video we are going to discuss about the Delhi University admission process step by step. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ड्यू एक्सपीरियंस गोइंग टू टेक एडमिशन दिस ईयर सो आई टुक एडमिशन प्रीवियस ईयर थ्रू दिस ऑनलाइन मोड आई एम करेंटली पॉलिटिकल्ली यूनिवर्सिटी कमला नेहरू सो मैंने प्रीवियस ईयर ही एडमिशन लिया था थ्रू दिस ऑनलाइन जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर से ही डेली यूनिवर्सिटी ने अपना सारा का सारा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया था एंड दिस ईयर भी ऐसा ही होने वाला है सो लाइक सम स्टूडेंट्स स्टिल हैव डाउट्स लाइक की उनको कॉलेज ऑफलाइन विजिट करना पड़ेगा कैंपस

सो द फर्स्ट स्टेप इज फॉर्म फिलिंग सबसे पहले आपको अपना फॉर्म फिल करना है रजिस्ट्रेशन करना है अभी जो यू जी एडमिशन के लिए सेकेंड ऑफ अगस्त को आपके जो फॉर्म आएंगे सबसे पहले आपको वो फॉर्म भरना है विदाउट विदाउट दिस फॉर्म आप डेली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो सो फॉर्म फिलिंग इज द फर्स्ट स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे अब कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके लिए उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल डालू और हुँए. जो स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अभी फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म में क्या लगा सकते हो यह भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया है सो so, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो सो नेक्स्ट स्टेप इज अब जब आपने फॉर्म भर लिया है तो उसके बाद क्या होगा सो so जैसा कि सी बी एस ई का रिजल्ट अभी नहीं आया है बट बहुत सारे स्टेट बोर्ड एंड आई सी एस सी का रिजल्ट आ गया so है जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है वो अपने मार्क्स अभी फॉर्म में अपडेट कर देंगे एंड मार्क्शीट अगर आपको मिल गई है तो आप वो भी लगा सकते हो बट जिन बच्चों का अभी रिजल्ट नहीं आया है लाइक सी बी एस ई का रिजल्ट अभी नहीं आया है बट फॉर्म अगर सेकेंड अगस्त को आउट हो जाते हैं उस टाइम तक अगर आपका सी बी एस ई का रिजल्ट नहीं आता है तो आप सो अभी आप फॉर्म भर दोगे फॉर्म में आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी मार्कशीट बाद में अपलोड कर सकते हो फिर उसके बाद क्या होगा थोड़े दिन बाद एक और अपडेट आएगा जब आपको मार्कशीट मिल जाएगी फिर फॉर्म ओपन होगा वहां पे आप अपने मार्क्स और मार्कशीट अपलोड कर सकते हो तो आप और वहां पे आपको रिजल्ट भी अलग से अपलोड करना है और बाकी जितने सारे डॉक्यूमेंट है वो सारे अपलोड उसके करने। बाद आपको एक एडिट डेट आएगी जैसे अगर आपने फॉर्म भरते हुए कोई मिस्टेक कर दी है सो so, ड्यू आपको एक चांस देगा कि आप अपने फॉर्म को फिर से एडिट कर लो अगर कोई मिस्टेक हो गई है डॉक्यूमेंट सबमिट करने में या फिर आपके स्पेलिंग में या फिर कुछ भी मिस्टेक हो गई है मार्क्स अपलोड करने में सो so, वो चीज़ आप अपने फॉर्म में अपडेट कर so, लो ये आपका फर्स्ट स्टेप था लाइक like, सबसे पहले आपको अपना फॉर्म भरना है फिर आपको अपने मार्क्स और मार्क्सट अपलोड करने हैं फॉर्म में फिर आपको ड्यू एक चांस देगा अपना फॉर्म एडिट करने के लिए उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो सो so, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जहाँ पे आपको अपना फॉर्म फिल करना फॉर्म फिल, फिल है? करने के भी सब स्टेप्स है लाइक उसमें आपको अपना मार्क्सशी और मार्क्स अपलोड करना है और ड्यू आपको एक टाइम पीरियड so, उस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना फॉर्म अपडेट कर सकते हो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप so, आता है आपका कट ऑफ लाइक ड्यू उसके बाद धीरे धीरे सारे कट ऑफ रिलीज करता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो फिक्सड होता है लाइक फाइव कट ऑफ तक ड्यू रिलीज करता है बट बट उसके बाद सीट पर डिपेंड करता है अगर सीट बचती है तो बाकी लास्ट सिक्स सेवन्थ एट नाइन्थ कट ऑफ भी आते हैं बट फॉर जनरल कैटेगरी सारे सीट्स फुल हो जाते हैं लगभग फोर्थ और फिफ्थ कट ऑफ के बाद सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू टेक एडमिशन इन लाइक फर्स्ट कट ऑफ नहीं हो जाए आपका या सेकेंड या थर्ड में हो जाए सो इफ यू आर गेटिंग एडमिशन इन फर्स्ट कट ऑफ इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक एडमिशन लाइक डू यू बी सजेस्ट करता है अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो रहा है तो यू शुड टेक बिकॉज आपको अपनी सीट रिजर्व करें अगर आपको अपना डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिल रहा टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहा और आप सोच रहे हो कि आप सेकेंड कट ऑफ में एडमिशन uh, ले लोगे बट आपको टॉप से नीचे वाले कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप उसमें एडमिशन ले लो बिकॉज कोई फिक्स नहीं होता कि आपको सेकेंड कट ऑफ में भी एडमिशन मिलेगा सो आई गॉट एडमिशन इन फर्स्ट ओनली। आई वॉज गेटिंग टू इन फर्स्ट जिनमें से मुझे जो सबसे बेस्ट कॉलेज लगा कमला नेहरू कॉलेज मैंने उसमें एडमिशन ले लिया कमला नेहरू कॉलेज इज इन साउथ कैंपस एंड एंड इट्स वेरी फेमस फॉर साइंस टेक एडमिशन इन नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस लाइक रामजस एंड इंदरप्रस्त दैट इज अ गर्ल्स एंड लास्ट तक आते मुझे लेडी श्री राम कॉलेज में भी एडमिशन मिल रहा था बट इट वॉज इन हिस्ट्री फर्स्ट प्रियॉर्टी वॉज पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मुझे पॉलिट साइंस ऑनर्स ही करना था तो मैंने वही चूज किया लाइक पॉल साइंस ऑनर्स मुझे कमला नेहरू कॉलेज में मिल गया था तो मैं उसी के साथ गई मैंने बाद में अपना कॉलेज कॉलेज चेंज नहीं तो बहुत बच्चे होते हैं जो कॉलेज, जो कोर्स को ना चूज करके कॉलेज चूज़ अगर मेरी सजेशन मानो तो यू शुड योर कोर्स ओवर लाइक मैंने बहुत बच्चों को देखा वो हिंदी ऑनर्स संस्कृत ऑनर्स लेके हिंदू में पढ़ रहे हैं तो अगर वो चीज आपको पढ़नी नहीं है बट आप वहाँ बट वहाँ आप एडमिशन लेके सिर्फ कॉलेज के लिए वहां पे जाके पढ़ रहे हो तो आई थिंक इट्स रॉन्ग लाइक सपोज दो स्टूडेंट है एक स्टूडेंट है जो हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा है और एक और एक स्टूडेंट है डी यू के एवरेज कॉलेज में पढ़ रहा है अब ये दोनों एक इंटरव्यू में जाते हैं अब इंटरव्यू में दोनों से सेम क्वेश्चन पूछते हैं बट जो डी के एवरेज कॉलेज वाला स्टूडेंट है वो इंटरव्यू क्रैक कर लेता है बट जो हिंदू कॉलेज वाला है वो नहीं कर पाता है सो so, इस छोटी सी स्टोरी से कहने का मेरा यही मतलब है इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू हाउ यू स्टडी हाउ यू लर्न हाउ यू टीच योर सेल्फ सो so, ऐसा नहीं होता है कि हर वो स्टूडेंट जो टॉप कॉलेज में पढ़ रहा है वो बहुत अच्छा कर सकता है जो एवरेज कॉलेज में पढ़ रहा है जो मीडियम कॉलेज में पढ़ रहा है वो अच्छा नहीं कर सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बहुत सारे टॉप कॉलेज वाले स्टूडेंट होते हैं जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं आगे बट बहुत सारे ऐसे एवरेज कॉलेज के स्टूडेंट भी होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं आगे सो so, इट्स तो इट्स डिपेंड ऑन यू सो इन शॉर्ट मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपना कोर्स बलिदान मत करो किसी भी कॉलेज के लिए लाइक like, सबसे पहले आपको अपना कोर्स देखना है उसके बाद कॉलेज इन माई ओपिनियन कोर्स इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेना है तो आप वही लो किसी अच्छे कॉलेज में आपको मिल जाएगा और ऐसा नहीं है कि ड्यू के सारे टॉप कॉलेज ही अच्छे होते हैं, उसके बाद जो कॉलेज है वो अच्छे नहीं होते ऐसा नहीं होता इट डिपेंड्स ऑन फैकल्टी टू लाइक मेरे कॉलेज की जो फैकल्टी है पॉल साइंस की इट्स वेरी फेमस फॉर पॉल साइंस एंड साइकोलॉजी सोशियलॉजी सारे कॉलेज अलग अलग चीज के लिए फेमस होते हैं लाइक कुछ कोर्सेज के लिए फेमस होते हैं कुछ साइंस कोर्सेज के लिए फेमस होते हैं एंड कुछ आर्ट्स कोर्सेज के लिए फेमस होते हैं सो so ये आपको देखना है कौन सा कॉलेज किस कोर्स के लिए फेमस है एंड देन यू कैन गेट एडमिशन इन टू आपका कॉलेज हो गया आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आपने, so वो आपने वो साथ साथ कर, कर लिया, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है फिर आप क्या करोगे कट ऑफ ड्यू रिलीज करता है उसके बाद आप पोर्टल पे जाके उस कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है लाइक uh, like अभी जो आप फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे आपका पोर्टल होगा एडमिशन के टाइम भी सिंपल सा प्रोसेस है लाइक आपको पोर्टल पे जाना है कॉलेज सेलेक्ट करना है अप्लाई का बटन दबाना है और आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस कॉलेज में चले जाएंगे फिर वहां से कॉलेज वाले क्या करेंगे आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद अगर आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो फिर वो आपको पेमेंट लिंक भेजेंगे फर्स्ट ईयर की फी पे करनी है और फर्स्ट ईयर की पे करने के बाद आपका एडमिशन डन सो काचुलेन यू आर इन डेली यूनिवर्सिटी सो ये आपका डी यू का मेरिट बेस का एडमिशन प्रोसेस था लाइक फर्स्ट स्टेप इज फिलिंग द फॉर्म सेकेंड इज आपका कट ऑफ आएगा फिर थर्ड आपको कॉलेजेस में अप्लाई करना है फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड फिफ्थ आपको पेमेंट लिंक आएगी आप पे कर दोगे अपने फर्स्ट ईयर की फी एंड देन योर एडमिशन इज डन सो so, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ जो आप अपने एडमिशन में फेस कर सकते हो जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट ने फेस किया था लाइक मी सो फर्स्ट पॉइंट इज जो ड्यू कट ऑफ रिलीज करता है लाइक फर्स्ट कट ऑफ और सेकेंड कट ऑफ के बीच में वो चार पांच दिन का गैप देता है लाइक like, सपोज अगर कट ऑफ टेंथ सेप्टेंबर को आकेंड कट ऑफ आपके फिफ्टीन और सिक्सटीन सेप्टेबर को आएंगे सो ये जो चार पांच दिन का जो टाइम पीरियड होता है ना ये टाइम पीरियड होता है इस टाइम पीरियड के बीच में आप कभी भी किसी भी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो सो so, एक लास्ट टाइम भी होता है लाइक फाइव पी एम फिफ्टीन अप्लाई so करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में कितना टाइम लग सकता है तो यह कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कुछ कॉलेज वाले टू और थ्री आवर्स के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके दे देंगे पेमेंट लिंक आ जाएगी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वो भी पता लग जाएगा बट इन सम केसेस को ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं जैसे वेरिफिकेशन होने में आपको पैनिक नहीं करना, आपका so, आपको नहीं नहीं है।, करना है आपका वेरीफिकेशन वेरिफिक... आपका टाइम से पहले हो जाएगा थर्ड पॉइंट इज कट ऑफ एक आपको अच्छे से कट ऑफ देखना आपका... है एडमिशन किस कॉलेज में हो रहा है या फिर नहीं ऐसा मत करना की कि किसी ऐसे कॉलेज में अपलाई आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है फोर्थ पॉइंट इज पेमेंट वाला इशू अब प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी कि पेमेंट करने के टाइम उनका पेमेंट जो प्रोसेस था वो बीच में ही रुक गया था लाइक like, बैंक से पैसे कट गए थे बट वो ड्यू तक नहीं पहुंचा था वो बीच में ही पैसे अटक गए थे तो ये वाली प्रॉब्लम भी आपके साथ हो सकती है आपको इसमें भी पैनिक नहीं करना है ये भी सॉल्व हो जाएगा सम ऑफ माई फ्रेंड्स फेस दिस इशू उनके साथ भी ऐसा हुआ था लाइक like, लाइक like, वो फी पे कर रहे थे एंड उनका फी ड्यू uh, तक पहुंचा नहीं वो बीच में ही रह गया था बैंक से भी पैसे कट गए थे बट लेटर ऑन ये इशू सॉल्व हो गया था तो ऐसा भी हो सकता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप किसी भी कॉलेज की फी पे कर रहे हो तो आप रात में करो रात में ट्रैफिक कम होगा मैंने भी अपनी फी पेमेंट लाइक बजे की थी रात में सो so आप ये कर सकते हो रात में करना रात में ट्रैफिक कम होता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिफ्थ इज डॉक्यूमेंट्स तो इट्स इंपॉर्टेंट टू अपलोड ऑल द नेसेसरी अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हो तो मे बी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है बट जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप अगर नहीं सबमिट कर पाते हो तो कुछ कॉलेजेस आपको फिफ्टीन डेज का टाइम देंगे उस टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना सर्टिफिकेट उस कॉलेज में सबमिट करना है अदरवाइज वो आपका एडमिशन कैंसिल सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी जिससे कि आप अपने एडमिशन के टाइम पैनिक ना करें एडमिशन प्रोसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है ये ऑनलाइन प्रोसेस है इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं जैसे कि ऑफलाइन में भी होता है ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में प्रॉब्लम नहीं आती वहां भी प्रॉब्लम आती है तो ऑनलाइन में भी आएगी तो आपको पैनिक नहीं करना है सब कुछ हो जाएगा आराम से अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है तो आपका एडमिशन मेरिट बेस के थ्रू आराम से हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही आई होप यू लाइक This video, please share this video with your friends and do subscribe our YouTube channel for more videos like yes, this. I will upload more videos related to Delhi University. So, please like this video and share this video with your friends. So, thanks for watching.